अपने मेन गेट पे थोड़ा सा बंदरगाह वगैरह से डेकोरेशन किया है, तो मैं आपको बताती हूँ मॉर्निंग में। तो मैं रेडी हो गई हूँ बाज़ार जाने के लिए, तो थोड़ी शॉपिंग करनी थी मुझे घर के लिए, तो मैं निकल रही हूँ। देखिए मैंने वापस से आपको बता दिया अपना मेन गेट जो मैंने डेकोरेट किया है, तो अब मैं नीचे उतर रही हूँ। तो वो तो ऐसा है कि दिवाली आते आते दिवाली के दिन तक शॉपिंग चलती रहती है, तो बस अब हम दोनों निकल गए। सुबह मॉर्निंग में निकल गए थे 10-11 बजे, ताकि थोड़ी कम भीड़ मिले, वरना शाम को तो बहुत भीड़ रहती है। तो थोड़े बहुत सामान लाते हैं, लेने जाना था मुझे, तो हमने कहा चलते हैं। और देखिए बाज़ार कितने अच्छे सजे हुए हैं, उस दिन सुबह से ही मतलब रौनक है बाज़ारों में दिवाली की, और फूल वगैरह भी बहुत ही अच्छे अच्छे आए हुए थे और डेकोरेशन के सामान। तो बस यही आपको दिखाते हुए चल रहे हैं कि दिवाली का सब लग गया है, और मैं यहाँ आई हूँ गोल तकिए लेने मुझे, क्योंकि मैं राउंड पहले जो गोल तकिए थे वो ख़राब हो गए थे, तो मेरे को नए लेने थे। तो हम आए शॉप पे, तो हमने यहाँ से और ये देखिए अब हम अगली शॉप मतलब एक और ठेला गाड़ी पे आ गए हैं। यहाँ पे हमको थोड़े फूल और ये सिंगाड़े और ये आंवला वगैरह लेना था पूजा के लिए, तो ये भी हमने खरीद लिया है यहाँ से, और फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। और हम घर पे आ गए थे, उसके बाद अब देखो वापस से रंगोली स्टार्ट कर दी है मैंने। ये देखिए मैंने शाम के समय रंगोली बना दी है, क्योंकि अब सुबह से स्टार्ट किया जब जाके, क्योंकि शाम को बहुत सारा काम भी रहता है, दिए वगैरह लगाना, तो मैंने 4 बजे ही रंगोली बनाना चालू कर दी थी। तो बताना कमेंट करके कैसी लगी मेरी रंगोली, इतनी अच्छी तो नहीं आती है, पर हाँ ठीक है, कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। तो यही बस मैं रंगोली बना रही थी और बहुत कुछ तैयारी भी करती रही, साथ साथ में चल रहा था सबका। ये देखिए अब पूरी रंगोली हमारी बन चुकी है, तो कैसी लग रही है मेरी रंगोली, ये धनतेरस की रंगोली है मेरी। तो देख ये मैं हूँ, मैं बता रही हूँ कि मेरी रंगोली कंप्लीट हो गई है, और अब हम शाम को दिए वगैरह लगाने की तैयारी करेंगे। और काम काम में कब टाइम निकल जाता है, मतलब त्योहार का दिन पता ही नहीं चलता है, इतना काम रहता है। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे काम खत्म करते हैं। बहुत सारे पटाखे लिए सारे, क्या तो वो भी खरीद क्या क्या बम तो अपन नहीं फोड़ते, बम तो अपन नहीं फोड़ते। अरे मैं कौन फोड़ने वाला, भाग्य वाले फोड़ेंगे, मैं खरीदूं तो ऐसे ही फल फूल छड़ी तो ऐसे ही फल फूल छड़ियां ही जलाएंगे, लाल फूल छड़ी। आप शाम हो गई है, और अब मैं दिए लगाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि करीब 6 बज गई है, तो दिए लगा लिए हैं। बस ये अब मैं दिए रखने की तैयारी कर रही हूँ, तो सुंदर लग रहा है, मतलब पूरे घर में रोशनी ही रोशनी। दिवाली का त्यौहार ही ऐसा है, ये मैंने रंगोली पे रख दिया है दिया, और भगवान के यहाँ सबसे पहले भगवान के यहाँ रखा, फिर रंग
तुलसा जी के फिपरेंडी पे, और उसके बाद ये मैंने गैलरी में दिए रखे हैं। तो देखिए मैंने गैलरी में कितनी अच्छी वो लगाई है लड़िया दिए वाली, तो बहुत सुंदर लग रही है। और यहाँ पर्व देखो फुलछड़ी जला रहा है, पर वो बहुत अच्छे पटाखे लेके आया है, तो आज ही शुरू हो गया धनतेरस के दिन। तो बस यही था मेरा छोटा सा धनतेरस का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट और करके बताइएगा कि आज आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। और सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। और ये देखिए मैं पर्व के साथ, मैं भी फुलछड़िया के साथ इसके साथ खेलने लगी हूँ। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जो दिवाली स्पेशल रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय।